में आगे बढ़ेंगे। टीकमगढ़ नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 21 की डुमराऊ बस्ती के सैकड़ों लोग पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस बस्ती में लोगों को 10 साल से पानी की कोई व्यवस्थाएं नगर पालिका परिषद नहीं करवा पाई है, जिससे कई लोगों के परिवार को 3 किलोमीटर की दूरी तय कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है और उसके बाद फिर पानी का जुगाड़ करना पड़ता है। बिना पानी के ये नरकीय जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं। 300 लोगों की आबादी वाली बस्ती नगर पालिका से जुड़ी है और इसके बावजूद यहां पानी की किल्लत नगर पालिका प्रशासन पर कई सवाल खड़े करता है। पानी की समस्या ये है कि बहुत दूर दूर से पानी लाना पड़ता था, कम से कम 2-3 किलोमीटर से पानी आता लाना पड़ता था, इसलिए समस्याएं बड़ी हुई थी। ये बताइए कितनी बस्ती है, कितने लोग हैं यहाँ पे? 250 से 300 के बीच में बस्ती है। नगर पालिका के द्वारा नल कोई व्यवस्था नहीं कराई गई थी? कोई भी व्यवस्था नहीं की गई थी। उन्होंने निरंतर गए उनके पास, लेकिन वहाँ से हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। कहाँ से लाती हूँ? बहुत दूर है नल, एक है सब पूरे गांव है, तो परेशानी हम लोग का। तो कितनी बस्ती है आपकी, कितने लोग हैं? बहुत ब्लॉक पर बस्ती तो ब्लॉक है, लेकिन नल दो फिर चाहे सो कहूँ बिगा जा, एक नल है सुधरो, कहूँ एक भी बिगा जा तो पूरा सब। कौन सा बाढ़ है? 21 बाढ़ है। तो वैसे कितनी दूर से लाना पड़ता है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर? कहाँ से? 1 किलोमीटर में पड़ जा सात, तो कम कम को यहाँ पर बिगा जा सो 2 किलोमीटर से हम नहीं आते। पानी की समस्या है, हाँ बहुत ज्यादा परेशान है पानी। पानी की समस्या है, पानी नहीं है, सब लोग दूर दूर से पानी लाते हैं, कुआं से भरते, कुआं भी सूख जाता है। कितनी दूर से लाते हो? 1 किलोमीटर दूर से। कितनी महिलाएं जाती हैं पानी भरने यहाँ पर? 200-300 महिलाएं जाती हैं। तो यहाँ मतलब कोई पानी की व्यवस्था नहीं है इतने दिनों से, सबसे कह कह के रहेगा, किसी ने कोई मदद ही नहीं करी, पानी की व्यवस्था ही नहीं है। नगर पालिका में आता है? हाँ नगर पालिका में। कोई व्यवस्था नहीं है पानी? नहीं पानी की। हेडपम्प वगैरह? हेडपम्प वगैरह बहुत दूर है, वे तो कहते है ही नहीं है पानी, ना हेडपम्प है ना कुछ भी नहीं है, दिक्कत है। हाँ पानी बिल्कुल आता ही है, कहीं से नहीं है। फिर कैसे भरते हो? 1 किलोमीटर हेडपम्प से ले आना पड़ता है। तो कौन सा बाढ़ है आपका? 21 बाढ़ है। कितने लोग रहते हैं? 200 लोग हैं। तो नगर पालिका से पानी की व्यवस्था नहीं की गई? नहीं बिल्कुल नहीं की नहीं गई है। कब से यहाँ पर रह रहे हैं आप लोग? 10 साल हुए। 10 साल से रह रहे हो, लेकिन जब से नगर पालिका ने कोई पानी की व्यवस्था नहीं की है? बिल्कुल नहीं पानी की व्यवस्था है नहीं। फिर कहाँ जाते हो? हेडपम्प से लाते हैं। हेडपम्प से लाते हो? हेडपम्प कितनी दूर है? 2 किलोमीटर दूर। 2 किलोमीटर दूर है। टीकमगढ़ नगर पालिका के वार्ड नंबर 21 में पानी की विराट समस्या देखी जा रही है। यहाँ पर जो 250 से लेकर 300 के आसपास बस्ती है, ये नागवा रोड पर बस्ती है कई वार्ड की, यहाँ पर लोग काफ़ी दिक्कत से गुजर रहे हैं पानी से, उनको काफ़ी दूर दूर जाके पानी लाना पड़ता है, 2-3 किलोमीटर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह महिलाएं बच्चियाँ सुबह से ही लाइन लगा कर खड़ी रहती हैं, नलों के इंतजार में रहती हैं, लेकिन नगर पालिका के द्वारा यहाँ पर अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इन बच्चों की लोगों के लिए ऐसे बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, काफ़ी दूर से पानी लाना पड़ता है, लेकिन यहाँ के जो पार्षद हैं अब से खड़े रानू, इनके द्वारा अभी प्रयास किया जा रहा है कि लोगों के लिए कुछ पॉइंट बनाकर पानी की व्यवस्था की जा सके, जिससे लोगों को इस तेज गर्मी में पानी की समस्या से निजात मिल सके। सूर्य प्रकाश गोस्वामी, NDTV न्यूज़, टीकमगढ़।